मालिक लो चाय पी लो। रख दे माला, अब तू जा। लगता है मालिक ज्यादा ही परेशान है। हे भगवान, काश अगर मेरी शांति जिंदा होती तो मेरी चिंता को जरूर समझती। धन दौलत सालों की नौकरी करके मैंने इकट्ठी करी, आज जब मेरा रिटायरमेंट हुआ, अब जो रिटायरमेंट के बाद मुझे पैसा और पेंशन मिलेगी, इनमें से कौन से बेटे को दूं जो समय आने पर अपनी जिम्मेदारी तक पीछे न हटे। अब आप ही मदद करो भगवान। हर पिता का एक सपना होता है कि उसके बेटे जिम्मेदार बने और अपने पिता के कंधों का बोझ हल्का करें। अजी सुनते हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? और तुम ऐसे भागकर क्यों आ रही हो? कोई भूत भूत देख लिया क्या? जो मैं देख के और सुन के आई हूँ ना, बहुत चौंका देने वाली बात है। अच्छा, ऐसा क्या सुन लिया तुमने? मुझे भी तो बताओ। पिताजी, आप तीनों भाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, पेंशन का पैसा और घर किसको देना है। अच्छा तो? पर वो तो क्या? पिताजी कह रहे थे जो भी बेटा जिम्मेदार होगा ये सब उसी के नाम होगा। अच्छा तो अब क्या करेंगे? करना क्या है, अब हम जिम्मेदार बनेंगे और क्या। पर वो कैसे? सच में ना सही तो झूठ मूठ का तो बन सकते हैं। आप पिताजी के सामने ना अच्छे बनने की कोशिश करो, ये पेंशन और घर सब कुछ हमें मिलना चाहिए, समझ गए ना आप? तुम ठीक कह रही हो सोनिया। पूजा दीदी, क्या हुआ माला? वो क्या है ना, मालिक बहुत टेंशन में है, वो बहुत परेशान रहते हैं, बल्कि अब तो उन्हें खुश होना चाहिए, अब तो उनका रिटायरमेंट भी हो चुका है। हाँ, पिताजी को तो चिंता है भाइयों की, पर मैंने ना उन्हें समझाया था, पर वो भी सही है अपनी जगह। जी दीदी, तुम सही कह रही हो, तीन तीन बहू बेटे होते हुए भी मालिक बहुत उदास रहते हैं। तुम कुछ कह रही थी, अब बोल। अरे भाभी कुछ नहीं, ये तो ये कह रही थी कि ये परिवार इसका ही है। ठीक है, और तुम ज्यादा अपनापन मत दिखाओ सबको, समझी? नौकरानी हो नौकरानी की तरह रहो। जी भाभी। जाओ मेरे कमरे की सफाई कर दो और वासु को स्कूल के लिए रेडी कर दो। भाभी आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, पिताजी से कुछ पैसे चाहिए थे। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे भाई की जॉब छूट चुकी है और नई जॉब पता करने के लिए पैसे तो कुछ चाहिएंगे ना। और रही बात पिताजी की, तुम तो जानती हो कि पिताजी तो हमें पैसे देने से रहे। ठीक है भाभी, मैं पिताजी से बात करूंगी, आप परेशान मत हो। ठीक है। भैया भाभी ने तो आज तक ऐसा कोई काम करा ही नहीं है जो पिताजी को पसंद आ जाए, पर चलो कोई बात नहीं, है तो अपना ही परिवार। पिताजी आप इतना परेशान क्यों रहते हो? बेटी तू अभी छोटी है, कभी ना कभी तो बड़ी होगी, तेरे ये भाई ना ही मेरी चिंता करते ना ही तेरी। पिताजी आप गलत समझ रहे हो, भैया और भाभी हमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा एक तू ही तो है इस घर में जो अपने से पहले दूसरों की फिक्र करे, अरे एक वे है, वे कुछ समझते ही नहीं। पिताजी सूरज भैया की जॉब चली गई है और भाभी ने मुझसे बोला है कि उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। देख बेटा, अभी मुझे रिटायर हुए कुछ ही तो दिन हुए, और ये सारे मिलकर मेरे माल पर नजर गड़ाओ बैठे। नहीं पिताजी, भैया और भाभी को पैसों की जरूरत है इसलिए मांग रहे हैं वो पैसे। बेटा तू इनके चाल को समझेगी नहीं। पिताजी दे दो ना उन्हें पैसे। हे कुदरत, कैसे बहुवर बेटा दिए तन्ने मुझे। ले बेटा उन लालचों को दे दिए पैसे ले जाकर। जी पिताजी। पिताजी आप चिंता मत करो, ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। चिंता तो बेटा पता ना कद खत्म होगी। हे भगवान,
पता नहीं इनकी हकीकत ये छोरी कद समझेगी। हाँ भाई, कल स्कूल गया था? हाँ जी। गया, काम कर लिया अपना पूरा? हाँ जी, पूरा कर लिया। अच्छा, कॉपी चेक करूँ मैं? चेक कर लो पापा। वो पैसों का क्या हुआ? की तो है मैंने पूजा से बात, लिया तो है उसको झांसे में। अब देखो पिताजी मानते हैं नहीं मानते पैसे देने के लिए। भैया भाभी ये लो पैसे। भैया अब आप कोई जॉब देख लो, ऐसे कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है पूजा, चल वासु। जाओ वासु, बुआ के साथ खेलो। देखा मेरा कमाल? अब पता चला पिताजी से कैसे पैसे निकालने हैं। इससे पहले कि पिताजी पेंशन के पैसे किसी और को दें, धीरे धीरे करके हम सब निकाल लेंगे, क्यों जी? हाँ जी। अब हमें कुछ दिन पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार बना के चलना पड़ेगा, ताकि उनको ये यकीन आ जाए कि हम लोग सुधर चुके हैं। पर हमें पता तो चले, आखिर हमें करना क्या है? वो तो तुम आगे देखते जाओ, फिलहाल तुम इन पैसों का मजा लो। अरे इधर तो आओ मेरी जान। वाह, क्या खुशबू होती है नोटों में। आहा। अरे ये तो कुछ भी नहीं, असली मजा तो तब आएगा जब ये सारी दौलत हमारी मुट्ठी में होगी। अरे कुछ कहना चाहो तो कहो, खुसर फुसर क्यों कर रहे हो? पिताजी हम एक नया बिजनेस कर रहे हैं, आप शायद थोड़े से पैसे दे देते तो। हाँ हाँ पिताजी, हम अपना कुछ काम करने की सोच रहे। आप पिताजी पैसे दे दो तुम्हें, हमने सारे ना मिलकर पैसों की हमेशा बर्बादी करी, पैसे वैसे ना मिलते भगा जाता है। पिताजी अभी तो आपको रिटायरमेंट के पैसे मिले हैं, फिर भी पैसे नहीं है। अरे वे पैसे थारे कोई से के बिना है, मेरी मेहनत मजदूरी की कमाई है, समझ गए? और किसके लिए हैं पिताजी? अरे ये तो समय बतावेगा किसके। चलो आप यहाँ से। के बताऊं मैं भाई, सबे पैसे ते ही प्यार है, इंसान इंसान तक खुशी नहीं है। मालिक हम कुछ बोले क्या? छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ माला बोलो। मालिक मैं ये सोच रही हूँ आप ये सब पूजा दीदी के नाम कर दो। तू बिल्कुल सही कह रही माला, यही सही रहेगा। मालिक अगर आपको कुछ चाहिए ना तो आवाज दे। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी यू सारी जायदाद पूजा बेटी के नाम कर दू, पर पता नहीं यू सही रहेगा या गलत, पर इन सारों की अकल ठिकाने लग जाएगी। माला, ए माला कहाँ मर गई? जाओ उन्हें सब इकट्ठा करके लाओ। जी मालिक अभी बुलाती हूँ। सोनिया भाभी, रमेश भैया, मालिक ने आपको बाहर बुलाया है। ठीक है चलो अभी आते हैं। चलो सोनिया, पिताजी की भी सुनते हैं। अजी सुनते हो, तुम भी कुछ दिमाग लगा लो, ये सारी प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में कैसे आए? इतना दिमाग होता तेरे से ब्याह करता मैं। क्या मतलब? ना 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 कुछ ना, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा। वैसे आजकल तुम ज्यादा नहीं बोलने लगे हो। सोन भैया, खुशी भाभी, मालिक ने आपको बाहर बुलाया है। ठीक है हम आ रहे हैं, चलिए। देख लो आज तक आपके पिताजी ने पैसे दिए तो नहीं है, हमने बिजनेस के लिए ही तो मांगे हैं। गीता भाभी, गोविंद भैया, मालिक आपको बाहर। अच्छा चलो आते हैं। चलो चलकर देखते हैं क्यों बुला रहे, शायद रिटायरमेंट के पैसे बांट रहे होंगे।
पूजा बेटी। जी पिताजी। पिताजी क्या बात है, सबको अचानक एकदम बुला लिया। हाँ पिताजी बताइए, क्या बात है, क्यों बुलाया हमें? ऐसा कौन सा जरूरी काम जो तुमने सारे इकट्ठे कर लिए? बताऊं बताऊं, जल्दीबाजी ना करो, धीरज रखो। पिताजी आज तक तो आपने ऐसा किया नहीं, बताओ क्या बात है? बेटा बताओ माँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, शांति करो। जी पिताजी। आज हमने तुम्हें सबे यूं बुलाया है, इस घर की जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार को ही दी जा। भाई अब तुम सारे कान खोल के मेरी बात सुन लो, मेरे रिटायरमेंट के बाद जो मुझे पैसा और फंड मिला है वो सारा का सारा अरजू घर बन्ने पूजा बेटी के नाम कर दिया। नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? आप ऐसा कैसे कर सकते हो पिताजी? पिताजी इस प्रॉपर्टी पे हमारा तीनों का अधिकार है, हम के सारे गुरुद्वारे में जाओगे। हाँ हाँ सही तो कह रहे हैं भाई साहब। हाँ हाँ भाई साहब सही तो कह रहे हैं। पिताजी आपने हम सब के साथ अच्छा नहीं किया। पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सबकी खुशी में मेरी खुशी है। पिताजी मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, इन सब चीजों पे भाइयों का हक है। अरे बेशर्मो कुछ शर्म कर लो, इस पूजा बेटी तक कुछ सीख लो। तारे में तो कोई से न भी मेरी गैल कोई ऐसा काम नहीं करा जो तुम्हें मैं कुछ ना कुछ दे दूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूं, मेरी सारी प्रॉपर्टी पे और सारे रुपए पैसे पे पूजा बेटी का अधिकार है, और सुन लो यू मेरा आखिरी फैसला है, समझे? चलो वासु खड़े हो यहाँ से, चलो ये हमारे कोई नहीं लगते। हे भगवान। पिताजी आपने बिल्कुल सही नहीं किया भाइयों के साथ, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बेटा मैं भी नहीं चाहता कोई जगह दिल दुखाना, पर मैं क्या करता, मैं तो मजबूर हूँ। बेटी तू चिंता ना करे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू फिक्र ना करे। हे भगवान अब मैं क्या करूं, इतना सब कुछ होते हुए भी आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। हे भगवान इस तो अच्छी बात तो यू है, तू मुझे ढाले। ये पिताजी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ गोविंद तू सही कह रहा है, जो हमारा हक था सब पूजा को दे दिया। भाई अब तो हद होगी, अब तो कुछ करना पड़ेगा, हमारा तीनों को तो कुछ भी रहना रहा। सही कह रहे हो भाई साहब, ऐसे हाथ पे हाथ रख के कोई फायदा नहीं है। जी जी अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, सही कह रही है वो। उस महारानी के नाम सब कुछ, जैसे हम कुछ है ही नहीं, अब हम सबको उसका गुलाम बन के रहना पड़ेगा। नहीं नहीं दीदी गुलाम बन के नहीं रहना पड़ेगा, जो हक ना मिले उसे छीनना पड़ता है चतुराई से, समझे? मम्मी दादाजी से मिल रहा है। चुप कर, तेरे दादाजी ने हमारा जीना आराम कर रखा है, आया बड़ा दादाजी वाला। दादाजी चुप कर, मुझे गुस्सा मत दिला वरना मारूंगी एक थप्पड़ खींच के। को भाभी वासु को क्यों मार रही हो, इसमें इसकी क्या गलती है? हाँ हाँ ले जाए इसे मेरी नजरों के सामने से, समझी? चल वासु। अब गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा, कोई तरकीब सोचो। मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है बताओ। बताती हूँ सब इधर आओ। कैसी रही मेरी तरकीब? वाह कमाल कर दिया भाभी आपने तो। पर क्या ये तरकीब काम तो आ जाएगी ना? तुम्हें शक है मेरी तरकीब पर? जैसा हम कहे वैसा करो, फिर देखो क्या होता है। चलो सब हम मिलकर अपनी तैयारी करते हैं। जी भैया खुशी चलो हम भी तैयार होते हैं। चलो सब इकट्ठे होके बाहर चलो। हाँ चलो चलो। गीता चल तू भी, अब आएगा असली मजा तो।
हे भगवान, अब के होगा इस घर का। चलो, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। जी भैया, अब कुछ हमारे यहाँ पे अभी तो नहीं, चलो। गीता, सारा सामान ले लिया? हाँ ना जी। कोई सुन रहा है? हम जा रहे हैं। अरे भैया भाभी, आप ही सामान लेके कहाँ जा रहे हो? हम सब जा रहे हैं तेरा घर छोड़ के। पिताजी, पिताजी बोलो कुछ। चुप क्यों बैठे हो? पिताजी, पिताजी बोलो कुछ। पिताजी बोलो कुछ, वो लोग जा रहे हैं। अरे भैया भाभी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग चले गए तो मालिक का क्या होगा? चलो आसू। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना दादाजी। खड़ी हो? चलो, ये हमारा घर नहीं है। क्या पिताजी रोकेंगे हमें? हाँ हाँ रोकेंगे। अगर नहीं रोका तो हम तो कहीं के भी नहीं रहने के। अरे कोई तो रोक लो, हम कहाँ जाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है सोनिया दीदी ने हमें फंसवा ही दिया। पिताजी, पिताजी ऐसा मत करो, पिताजी कुछ तो बोलो। पिताजी रोक लो इन्हें। पिताजी, पिताजी। भैया भाभी, भैया भाभी, पिताजी को देखो क्या हो गया। पिताजी, पिताजी, मारा दीदी जल्दी से पानी लेके आओ। पिताजी, 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 पिताजी। शायद अब हमें कोई नहीं रोकेगा। सुनो, देखो पूजा किसको आवाज दे रही है। ये सब नाटक कर रहे हैं, जब तक पिताजी आवाज नहीं देंगे कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। चलो बेटा पूजा, मैं अपने जी की के बताऊं, मैंने अपनी सारी जिंदगी इन बालकों की और इस परिवार की सेवा में गुजार दी। आज जब मेरी सेवा करने का टाइम आया, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। वासु, बेटे सूरज, गोविंद, ए वो उल्टी आ जाओ, मुझे चोट के मत ना जाओ। दादाजी, दादाजी क्या हुआ? हे भगवान, बड़े दुख देख लिए बन्ने जिंदगी में, अब और दुख देखने की मेरी हिम्मत नहीं है। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। पूजा बेटी, मैंने जिंदगी भर कमाया पर कोई भी सुख नहीं पाया। अब मैं रिटायर हो गया तो मेरी कदर ही भूल गए। मैंने जिंदगी में नौकरी करी और तुम्हें सब पढ़ाया लिखाया, फिर भी मुझे आज अकेला छोड़ दिया। दादाजी मैं रखूं तुम्हारा ध्यान, मैं मम्मी पापा को छोड़ दूंगा। ना बेटा ना, जो तेरे माँ बापों ने मेरे साथ करा, तू उनके साथ ऐसा काम कभी मत ना करिए। पिताजी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हाँ पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई आपको समझने में। हमें आज वासु की बातों से ये सीख मिली है कि औलाद का दर्द क्या होता है। पिताजी हमें माफ कर दो। पिताजी मुझे भी माफ कर दो। पिताजी हम अपना फर्ज भूल गए थे, रिश्तों के आगे धन दौलत पैसा सब बेकार है। सबसे बड़ी पापिन तो मैं हूँ पिताजी, इन सबको घर से जाने के लिए मैंने भड़काया था। पूजा तू भी हमें माफ कर दे। शांति, देख ले आज कितना अच्छा समय है, आज सारा परिवार भरी साथ आ गया,
मेरा तेरे पास आने को मन कर रहा है शांति। और मेरे बच्चों, तुम सारे मेरे ताजे को वादा करो, मेरे जाने के बाद अपनी बहन पूजा का ध्यान रखोगे और मेरी संपत्ति हरे राम। पिताजी।